The Zoya Akhtar film Gully Boy hit the screens worldwide today. The story based on underground rapper stars Ranveer Singh and Alia Bhatt in pivotal roles. It also stars actress Kalki Koechlin in supporting cast. It is inspired by the life of Divine and Aids, the underground rappers from Mumbai. Zoya Akhtar has written script with Reema Kakti. Producer Farhan Akhtar and Ritesh Sidwani, film also features Vijay Raj, Amrita Subhash and Siddharth Chaturvedi in key roles. Let's check out some public reactions. Ranveer Singh is just wow. He has justified his character and he's amazing. Beyond amazing. Alia Bhatt. She's good. Music is very nice. Like Ranveer Singh has sang the whole rap. It's just wow. ठीक ही थी लेकिन underground rap battle उतना neat नहीं होता जिस तरीके से movie में दिखाया गया था. Anyways, hip hop को मौका मिला आने के लिए बहुत इतना neatly नहीं होता जैसे movie में दिखाया गया था. Hope so. अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई. Ranveer Singh is awesome. बहुत मजा आई. Alia Bhatt का तो nice. अपने boyfriend वाला dialogue super है वो. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छी है मूवी और बहुत सभी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी और रैप भी बहुत अच्छा है मूवी का. अपना टाइम आएगा. एक्चुअली रणवीर का टाइम आ गया. बहुत अच्छा. सिम्बा के बाद एक वंडरफुल मूवी देखने मिली. आफ्टर सिम्बा सच अ गुड मूवी. सुपर. रणवीर सिंह नेल्ड इट. आलिया भट्ट वाज आल्सो गुड. म्यूजिक बहुत अच्छा था. क्या गाया है बंदे ने, मतलब फाड़ दिया है. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. रणवीर सिंह का डायरेक्शन एक नंबर, एक नंबर काम किया है. जोया अख्तर का डायरेक्शन, सॉरी, रणवीर सिंह की एक्टिंग एक नंबर, आलिया भट्ट की एक्टिंग एक नंबर और जोया अख्तर का डायरेक्शन सिल्यूट है उसको. मतलब इस तरह की कोई अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी रणवीर सिंह. जबरदस्त भाई, मजा आ गया. मूवी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया जबरदस्त. बोले तो अपने लेवल का मूवी है भाई. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? यार ये थोड़ा मुश्किल होगा. वो जबरदस्त था भाई, दिल को छू गया यार. फिल्म बहुत अच्छी है और चलेगी. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट काम बहुत अच्छा. कहानी कितनी अच्छी लगी? कहानी भी बहुत अच्छी है. अच्छा ये बताओ, वो जो रैपर के ऊपर है इंस्पिरेशन अच्छी है. डायरेक्शन के बारे में क्या? डायरेक्शन का बहुत अच्छा है. म्यूजिक के बारे में क्या? म्यूजिक भी अच्छा है. मूवी बहुत अच्छी है. जितनी रियल रख सकते थे पिक्चर को उतना रियल रखा गया है. पिक्चर की कहानी, फिल्म की हीरो है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जोया अख्तर, सिड, विजय राज और जितनी पूरी टीम है, जितने भी सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, एक एक बंदा बहुत रियल लगा है. स्पेशली पिक्चर में जो लोकेशन है धारावी, इतनी रियल लगी है. मतलब ये पिक्चर आप इतना कनेक्ट करेंगे, ये पिक्चर आप जाके देख सकते हो, सबके साथ देख सकते हो. वैलेंटाइन की वीक में रिलीज़ हुई है पर कपल्स, बड़े बूढ़े, बच्चे सब इस पिक्चर को एंजॉय करेंगे. तो भाई पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है, मचा रही है, जाके देखो. नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ स्टार्स दे गिव द मूवी. 3.5. मैं तो 5 out of 5. The film throws light on the minorities, the underclass underground rappers, which was invisible in mainstream Bollywood over the years. INS Report.